जब पीरियड्स आते हैं पहले और दूसरे दिन मेरी हालत इतनी खराब होती है कि मुझे हॉस्पिटल जाकर एडमिट होना पड़ता है क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे मालूम है सबको एक जैसा दर्द नहीं होता है कुछ लोगों को वाकई बहुत सीवियर दर्द होता है अगर दुनिया में लड़कों को पीरियड्स होते तो डेफिनेटली पीरियड लीव दी जाती जब राजा राम राय ने सती प्रथा खत्म की तब भी कई लोगों को मिर्ची लगी थी वो ये बोले थे कि महिलाएं तो इसके साथ ही जीती हैं स्मृति रानी ने कहा कि जो लोग पीरियड से नहीं गुजरते उन वो सुझाव न तो बिल पर बहस हो रही थी और अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि म, क्यों महिलाओं को ही महिलाएं महिलाओं की चिंता क्या पुरुष नहीं कर सकते अगर आप एक वर्किंग स्पेस में हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल सके पेड पीरियड लीव नहीं मिलता है तो समझिए कि एक वीक की सैलरी जा सकती है एक साल में दस ऐसी छुट्टियों की बात की है नतीजा ये रहा कि जोमेटो के एम्प्लॉइज ने बहुत ज्यादा छुट्टियां ले ली पेड पीरियड लीव शुड बी नॉर्मलाइज्ड पेड पीरियड लीव्स होनी चाहिए बट उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है वो इंसान अगर ऑफिस में आके उस दर्द में बैठ के काम भी करे तो कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा मैं मैनेज कर सकती हूँ मैनेज नहीं कर सकता उसको मैं उसकी छुट्टी क्यों रद्द करवाऊँ तो ये पर्सन पर्सन टू डिपेंड करता है और इसमें हम और आप तय नहीं कर सकते कि किसी महिला को उस दिन छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए कि ठीक है आज मुझे पीरियड ले हुए क्रेम्स हो रहे हैं छुट्टी चाहिए डेडशीट बात खत्म हो गई साल में 52 बावन हफ्ते बावन धोनी एक सौ चार वीकली ऑफ दस बैंक हॉलीडे तीस पी एल बारह सी एल कुछ कुछ जगह पे चार मेडिकल भी ऑलरेडी डेढ़ दो सौ हो जाता है मेरे हिसाब से तो ये सारी छुट्टियां खत्म होनी चाहिए जो वेस्टर्न कल्चर है वीकली ऑफ के अलावा पर घंटे का चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ये दोनों के लिए है ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां हैं वर्किंग आवर्स बर्बाद होते हैं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो असहनीय दर्द होता है और जो लोग वर्किंग वुमेन है ऑफिस जाती हैं लड़कियां हैं महिलाएं जो लोग ऑफिस जाती हैं तो क्या उन्हें पीरियड लीव मिलनी चाहिए और खास तौर पर पेड पीरियड लीव जिसके एवज में पैसे ना काटे जाएं। ये एक सवाल अक्सर उठता आया है और अब ये सवाल जो है सरकार से भी पूछा जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर संसद में ये सवाल पूछा गया और उसका जवाब दिया है स्मृति ईरानी ने उनका कहना है कि ये महिलाएं जो हैं इसके साथ ही जीती हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है पीरियड्स उनके लिए तो सबसे पहले सोनल आपसे पूछते हैं तो बताइए स्मृति ईरानी ने क्या कहा है मेरे सामने लैपटॉप पर अभी वो बयान खुला हुआ है और मैंने दोबारा इसलिए सुना ताकि एग्जैक्ट जो कोट है वो कहीं मिस कोट ना हो जाए अंग्रेजी में बयान दिया राज्यसभा में मनोज झा ने जब सवाल पूछा उन्होंने अपना जो जवाब देना जब शुरू किया तो पहला स्टेटमेंट दिया कि एज ए मेन्स्टुएटिंग वुमेन यानी एक महिला जो पीरियड के दर्द से गुजरती है या जिससे पीरियड्स होते हैं उस महिला होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड कोई हैंडीकैप नहीं है जिसका हिंदी तर्जुमा आप कई मीडिया चैनल से उसमें देखेंगे कि कि कोई बाधा नहीं है उनका कहना था कि यह कोई अड़चन नहीं है जिसके लिए पेड पीरियड लीव दी जानी चाहिए आगे अपने बयान में कंटिन्यू करते उन्होंने कहा कि ये लाइफ की एक साइकिल है जो लड़कियों के महिलाओं के जीवन में होता है तो आप इसको कुछ हैंडी जैसा ना समझे कि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करना है और ये अनफेयर होगा उन लोगों के साथ जिन्हें पीरियड्स नहीं आते हैं कि अगर महिलाओं को ऐसे पेड पीरियड लीव दी जाएगी मतलब बेसिकली कहना था कि अगर ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल काउंटर पार्टी या जो मेल कोवर्कर्स हैं उनके लिए अनफेयर होगा अगर लड़कियों को पेड पीरियड लीव दी जाए और सरकार का तो अभी इस पर कोई वो नहीं मतलब मतलब कुछ स्टैंड नहीं क्लियर किया कहा कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन पर्सनल स्टैंड ये बता सकती हूँ कुछ लड़कियों को दर्द होता है और कुछ लड़कियों को ज़्यादा ज़्यादा होता है तो मतलब वो रेयर केस है या वो केस मतलब बहुत कम है मोस्ट ऑफ़ दी जो लड़कियाँ हैं महिलाएं हैं वो दवाई खाकर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है मैनेज कर लेती है इस टाइप की पूरी बात कही है मतलब उनकी बात का लब लब्बुलवाब भी था अब इस पर आप मेरी पर्सनल राय जानेंगे तो मैं जिस दफ्तर में काम करती हूँ या जिन लोगों के बीच काम करती हूँ उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर महीने जब पीरियड्स आते हैं पहले और दूसरे दिन मेरी हालत इतनी ख़राब होती है कि मुझे हॉस्पिटल जाकर एडमिट होना पड़ता है और जब तक दो इंजेक्शन ना लगे ग्लूकोज ना चढ़े वो सही नहीं होता कितने ही टेस्ट करवा लिए कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया सबका ये कहना है कि ये नॉर्मल है कुछ लोगों को एक्सट्रीम पेन होता है कुछ लोगों को नहीं होता है आपको अगर इसी से ही आराम मिलता है इंजेक्शन लेकर पेन किलर असर नहीं करती है तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू आप मतलब इसी से ही गो थ्रू करें और क्या कर सकता है कोई मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन में या कई लोग ये सजेशन देने आएंगे घरेलू नुस्खे अपनाइए ये करिए मुझे आज दस साल हो गए हैं और दस पंद्रह साल दस बारह साल में मैंने हर वो चीज़ अपना कर देख ली जितने ऐसे लाइफ में आपको सजेशन देने वाले लोग आते हैं ना अजवाइन खाओ मीठा खाओ ये खाओ मेफ्टाल खाओ एक टाइम ऐसा हो जाता है कि मेफ्टाल हम वैसे कहते हैं जैसे टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं ना कि दिन में दो बार या तीन बार प्रतिबंध भी लग गया हाँ प्रतिबंध मतलब उसमें एक जो एसिड यूज होता है उस पर लगा तो जो स्मृति रानी जी का स्टेटमेंट था कि कुछ लोगों के लिए दवाई खाकर मैनेज कर लेना नॉर्मल है मैं उन लोगों में से तो नहीं आती हूँ मैं दूसरी कैटेगरी वालों में आती हूँ इसीलिए मेरा तो मानना है कि पेड पीरियड लीव शुड बी नॉर्मलाइज्ड और इससे वो जो स्टिग्मा है पीरियड के अराउंड कि मतलब ये लड़कियाँ मैनेज कर लेंगी या जो साथ में मेल कलीग्स हैं उनको ये अनफेयर ना लगे उनको ये ना लगे कि यार इनका तो बढ़िया है महीने में दो दिन या एक दिन इनको मतलब छुट्टी मिल जाती है पैसे भी नहीं कटते हैं कभी शायद वो मेल काउंटर पार्ट उस दर्द को झेल ही ना पाए वो चाह के भी ना झेल पाए जिससे हम गुजरते हैं तो किसी एक का ईगो सैटिस्फाई करने के लिए या फिर उनको इक्वल फील करवाने के लिए आप दूसरे के साथ अनफेयर डिसीजन क्यों करते हो ये मेरी समझ से परे है और आप अगर ये कहते हैं ना कि आपके पास इतनी सारी छुट्टियां या पर्सनल लीव या ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन उस चीज़ को मैं ये बता के क्यों अवेल करूँ कि मेडिकल बीमारी है या कोई कंडीशन है ये बहुत नॉर्मल है और इस इसके लिए मतलब मेरे लिए कोई गलती नहीं है या म, मतलब मुझे अपने वो पर्सनल मेडिकल लीव वाले सेक्शन से छुट्टियां काट के इसमें नहीं डालनी होगी आप अगर आपको बुखार आएगा अब तब अपनी पर्सनल मेडिकल लीव अवेल करेंगे लेकिन मुझे अपनी सारी पर्सनल लीव मेडिकल अवेल करनी है या जो 10-12 लीव्स मिलती है वो इसी में ही मैनेज करना है तो जब मैं वाकई बुखार आया जब मैं वाकई बीमार बीमारूँ तब फिर मैं अनपेड छुट्टी आ लूँ मतलब कहीं ना कहीं से तो आप कॉम्पनसेट करने के लिए बोल रहे हैं तो ये बहुत ही अनफेयर अप्रोच है और अगर किसी को लगता है ये चीज़ की मैनेजेबल है तो वो सेक्शन ऑफ महिलाएं ऑटोमेटिकली नहीं लेंगी मतलब कोई ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर घर पर बैठना क्यों जा, जाएगा हमारे साथ ऑफिस में कई ऐसी कलीग्स हैं जिनका पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है और मेरा फर्स्ट डे होता है वो नॉर्मल बैठ के काम करते हैं उनको नहीं दर्द होता उतना उस दिन मैं छुट्टी लेती हूँ तो वो कभी ऐसा फील नहीं करती कि यार इसने पीरियड्स का फर्स्ट डे छुट्टी लिया तो मैं भी लेती हूँ भले मुझे दर्द नहीं हो रहा है ऐसा कोई नहीं करता है मतलब और आप कुछ गलत हो सकता है कि अजमशन के आधार पर या ये एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है के आधार पर बेसिक राइट right देने के लिए तो मना नहीं कर सकते ये मेरा मानना है तो अभी सोनल की सारी बातें मैंने सुनी और सोनल ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पॉइंट है शी शीज़ पुट इट अक्रॉस और मैं भी यही मानती हूँ देखिए पीरियड्स क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे मालूम है सबको एक जैसा दर्द नहीं होता है कुछ लोगों को वाकई बहुत सीवियर दर्द होता है एंड उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है कुछ लोगों का दवाई से काम चल जाता है कुछ लोगों को सिर्फ हॉट वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ती है अब अगर कोई एक चीज़ है जब हम पीरियड लीव की बात कर रहे हैं कि, कि कुछ लोग नहीं मैनेज कर पा रहे अगर उनको छुट्टी मिल रही है तो उसमें अनफेयर क्या है आप अनफ़ेयर के बारे में अगर फिर बात करना चाहो ना कि वर्क प्लेस में अनफेयर बिटवीन मेल एंड फीमेल क्या है तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस बेसिस पे आप उन लोगों को छुट्टी नहीं दोगे जो वाकई सफ़र कर रहे हैं या फिर उनसे बोल रहे हो कि वो एडवांटेज ले रहे हैं महिला होने का तो ये बात सरासर गलत है एंड वही फिर अगर अनफ़ेयर होने पर बात करो तो आप पेड डिस्पैरिटी के बारे में भी बात कर सकते हो वो भी तो बहुत अनफ़ेयर है मतलब तो इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि सेम काम के लिए महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है पुरुषों को ज़्यादा दी जाती है तो आप उसके बारे में भी बात करिए वो भी वर्क प्लेस एथिक है वो भी अनफेयर है वो सब छोड़ के आप एक पीरियड लीव के बारे में डिस्कशन कर रहे हो कि नहीं महिलाओं को ये मतलब एडवांटेज एक्स्ट्रा क्यों मिले दिस इज अनफेयर टू द मैन आई थिंक दैट इंटायर कॉन्वर्सेशन इज अनफेयर टू वैन अच्छा पुरुष सांसद जो है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और महिला सांसद इसका लगभग लगभग विरोध कर रही हैं तो क्या लगता है कि वो भी तो इन इससे गुजरती होंगी यही तो मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगा इनफैक्ट ऑफ कैमरा जब आपकी मेरी बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी ऐसे मैं महिला हूँ मुझे इतना सीवियर पेन नहीं होता जितना सोनल को होता है मैंने देखा है उसकी हालत क्या होती है तो जब ये मुद्दा उठेगा ना तो मैं मेरे दिमाग में हमेशा सोनल या मेरे और दोस्त आएंगे जिनको मैंने देखा है सफ़र करते हुए तो मुझे मालूम है कि किस तरीके का दर्द होता है या क्या किस तरीके की दिक्कतें होती है मैं नहीं बोलूँगी ये कि मुझे नहीं हो रहा तो मत दो छुट्टी ऐसा नहीं है मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं आऊँगी ऑफिस बट जो मैनेज नहीं कर सकता उसको मैं उसकी छुट्टी क्यों रद्द करवाऊँ मतलब तो ये बहुत मतलब तो महिला हो करके सारी महिलाओं के लिए बोलना ये गलत है क्योंकि सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है आ, हर मामले पर बोलने से बेहतर है कि वो सुनने पर अपने आदि करें तो मेरे पास ऐसा नहीं है जानकारी कबाव है पर मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और ना मेरे पास उसके बारे में कोई बहुत अच्छी सूचना है तो अंग्रेज़ी का एक बहुत अच्छा शब्द है पैट्रोनाइजेशन यानी संरक्षणवाद कि मैं तुम्हें फिक्स करूंगा कि मैं तुम्हारा सेवियर सिंड्रोम हूँ उससे कम से कम पुरुष के तौर पर हमें बाहर आना चाहिए इसलिए मैं इस विषय पर खामोशी से पर सुनूंगा इतनी सी अरदास जो मेरी कॉम के लोगों से यही है कि मतलब जो पुरुष हैं जो इससे फर्स्ट टैंड एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कि आ, अगर आप उस वक्त आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना जैसे मेरी टेबल पर अभी भी हॉट वाटर बैग रखा हुआ है ज़रूरत पड़े कुछ हो जिसको भी कि अगर आप कुछ और भी नहीं कर सकते हैं तो जस्ट बी देयर आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है और खामोशी बहुत ज़रूरी है मेरी एक कलीग थी पहले मैं जिनके साथ काम करती थी उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बोलती है जो मुझे इस पूरे मुद्दे पे लगता है कि जिसको कहा मतलब जिसको बार बार कोट किया जाना चाहिए कि लड़कों को पीरियड्स नहीं होते अगर दुनिया में लड़कों को पीरियड्स होते तो डेफिनेटली पीरियड लीव दी जाती मतलब मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हमारी जो समाज जिस तरीके से काम करता है या पार्लियामेंट भी मतलब ज़्यादातर पुरुष ही उसको चला रहे हैं तो इस स्थिति में ये महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं या जो उनका तकलीफ़ें हैं उनका दर्द है उसको नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि पीरियड लीव डेफिनेटली मिलनी चाहिए क्योंकि कई क्यों महिलाओं को इसमें बहुत असहनीय दर्द होता है जैसा कि सोनल ने बताया अभी और जो महिला जो महिलाएँ इसके साथ अपना काम भी जारी रख सकती हैं अपने घर के काम या ऑफिस में जो लगातार काम कर रही हैं वो जारी रख सकती हैं वो ज़रूर करेंगी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वजह से छुट्टी ले घर पर बैठना चाहेगा बाकी तो बातें सही हैं लेकिन जो बयान अभी मैंने सुना जो सोनल जी ने बताया मंत्री जी ने दिया है कि इसी के साथ महिलाओं की जीने की आदत है इस तरह का कुछ बयान है एग्जैक्ट हो सकता मैं ये साफ़ एकदम ना बोल पा रहा हूँ जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा ख़त्म की तब भी कई लोगों को मिर्ची लगी थी वो ये बोले थे कि महिलाएं तो इसके साथ ही जीती हैं लेकिन उस समय भी आंदोलन हुआ बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तब एक नतीजे पर पहुँचे और धीरे धीरे वो प्रथा खत्म हुई उसके बाद अंबेडकर जी जब बायस राय की परिषद में थे सदस्य थे श्रम सदस्य थे तब उन्होंने पहली बार प्रसूति महिलाओं को प्रसूति का जो छुट्टी नहीं मिलती थी वो दिलवाई थी मुझे नहीं लगता इससे पहले मिलती थी संभवतः वो पहली बार हुआ था उसके बाद उन्नीस में जब अम्बेडकर जी बिल लेके आए थे हिंदू कोड बिल जिस पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसमें क्या था महिलाओं को विवाह का अधिकार महिलाओं को तलाक का अधिकार संपत्ति में अधिकार तब हंगामा मच गया था संसद के अंदर और ये कहा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है महिलाओं के साथ तो ये चीज़ चलती रहेगी लेकिन महिलाएं केवल बलिदान और त्याग के प्रतीक थोड़ी ना हैं ये बात को समझना पड़ेगा कि भाई जो शख्स महिला के शरीर में जिसने जन्म लिया है महिला के शरीर की में जन्म लिया है और जिसने पुरुष के शरीर में जन्म लिया है दोनों के कष्ट बचपन से ही जन्म से ही उसे जो कष्ट मिले हैं महिला के शरीर के रूप में उन्हें भी समझना पड़ेगा महिला कितना कष्ट उठाती है एक तो ये पीरियड वाला कष्ट उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है वो नौ महीने का कष्ट और फिर उसे एक दिन का कष्ट जिस दिन वो बाल बालक पैदा हुआ है बच्चा पैदा हुआ है तो हमें ये सोचना पड़ेगा समाज जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है धीरे धीरे जो उसका सोचना है सोच बदलती है अब यहाँ तक बात आई है तो ये मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है जो ये मुद्दा उठा है कि पेड़ लीप वाला और मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिलनी चाहिए थोड़ा हमारा दायरा बढ़ रहा है थोड़ी सोच बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ेगी सोच आपको मैंने शुरू से बताया कहाँ से और आज यहाँ तक महिलाएं आ गई हैं तो हर चीज़ को समझ समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम किस सदी में हैं साल में बावन हफ्ते बावन धोनी एक सौ चार वीकली ऑफ़ दस बैंक हॉलीडे तीस पी एल बारह सी एल कुछ कुछ जगह पे चार मेडिकल भी ऑलरेडी डेढ़ दो सौ हो जाता है मेरे हिसाब से तो ये सारी छुट्टियाँ ख़त्म होनी चाहिए जो वेस्टर्न कल्चर है वीकली ऑफ़ के अलावा पर घंटे का चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ये दोनों के लिए है ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियाँ हैं वर्किंग आवर्स बर्बाद होते हैं तो वीकली ऑफ हो बस और काम के हिसाब से घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिले ना आपसे ज़्यादा काम कराया जाए कराया जाए तो उसके ओवर टाइम मिले और वह की किसी छुट्टी की जरूरत नहीं है आपको विदाउट पे जितनी भी छुट्टी लेनी नहीं लीजिए चाहे आप कोई भी जेंडर के हों कार्य के घंटे में निर्धारित हो ओवर टाइम करें उसका पैसा पर घंटे के हिसाब से पैसा होना चाहिए लेकिन उसके अलावा छुट्टियाँ कोई नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हैं हमारे देश में बहुत सारा काम बर्बाद होता है इन छुट्टियों में बहुत सारा समय बर्बाद होता है दो तरह के मत हैं जो ओपन मत हैं एक रेडिकल फेमिनिज्म है और एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है तो रेडिकल फेमिनिज्म बेसिकली मतलब अगर उसमें उसकी तकनीकों में नहीं जाएँगे बेसिकली वो मत ये कहता है कि महिलाएं जो हैं अब वो पूरी तरह से सशक्त हैं और उनको इस तरह के किसी भी स्पेशल प्रिविलेज की आवश्यकता नहीं है स्पेशल प्रिविलेज देने की वजह से वो डिस्क्रिमिनेटेड होंगी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म थोड़ा और ज़्यादा समावेशी है तो वो ये कहता है कि जिस तरह के समाज में हम रहते हैं वो आ, उसमें इस तरह की छुट्टियों की या इस तरह की स्पेशल प्रिवेलेज़ की ज़रूरत है अब इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कैसे तो सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है और जेंडर जो है वो एक सोसाइटी का कंसेप्ट है इन दोनों के बीच में फ़र्क ना हो इसलिए इस तरह के एक्शंस जो हैं वो स्टेट से डिमांडेड हैं जिसको हम लोग अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं और अफर्मेटिव एक्शन आज से नहीं हमेशा सरकार लेती है लिया जाना चाहिए अगर इस तरह का फ़र्क है और उस फर्क को पाटना है कि आपको पब्लिक स्पेसेस में उतनी ही महिलाएं दिखें जितनी पुरुष दिखते हैं तो उसके लिए कुछ काम स्टेट भी करता है और आज तक करता आया है ये जितनी भी स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए अलग से ली जाती है लाडली योजना उज्ज्वला योजना ये सारी स्कीम्स क्या हैं इसका मतलब कि सरकार उनको चिन्हित कर रही है तभी वो इस तरह की योजनाएँ अलग से दे रही है नहीं तो क्यों देती और ये इसी सरकार ने दे रही है इसमें जो दूसरा मसला है जो स्मृति रानी ने कहा कि जो लोग पीरियड से नहीं गुजरते उन वो सुझाव ना दें क्योंकि दो पुरुषों ने ही इसके बारे में वो कहा था मनोज झा ने और शशि थरूर ने दोनों सांसद हैं उन्होंने सवाल पूछे थे अपने और एक ने ब्यौरा मांगा था एक ने सवाल पूछा था मुझे हो सकता है कि ये बिल्कुल उनकी बात से मैं अग्री कर जाता अगर उनकी बात में मुझे दोहरापन ना दिख रहा होता तो उनकी बात से मैं अग्री इसलिए कर जाता क्योंकि ये मैं स्प्लेनिंग है जैसा कि अभी हमारे साथी प्रज्ञा ने बताया कि अगर पुरुषों पुरुष ही सब बता देंगे तो क्या होगा लेकिन अगर वो ये बात मानती हैं तो जब विमेन रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रही थी और अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि क्यों महिलाओं को ही महिलाएं महिलाओं की चिंता क्या पुरुष नहीं कर सकते तो अब पहले तो वो अपने गृह मंत्री से साफ करें कि कौन वाला रुख रखना है उसके बाद वो बताएं कि वो कौन सा रुख रखती हैं स्मृति ईरानी तो ये तक जब सिलेंडर सस्ता हुआ था चुनाव से ठीक पहले तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहनों को बहुत बड़ी सौगात दी मैं तो इस बयान को बहुत रिग्रेसिव मानता हूँ कि सिलेंडर कैसे महिलाओं का सिर्फ इशू है सिर्फ उनका कि, मत तो फिर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस पार्टी से इस और किस एक धारा से ये बयान दे रही हैं अगर मेरा मत जो मैं मानता हूँ वो वो वही मत है जो मैंने शुरू में बोला जो इंटरसेक्शनल फेमनिज्म का मत है जो समावेशी पब्लिक स्पेसेस का मत है जैसे अगर आप हमारी साथी सरबत से बात करेंगे उन्होंने मुझे बताया कि जो कॉरपोरेट में टेम्परेचर्स होते हैं ए का वो भी पुरुषों की बायोलॉजिकल टेम्परेचर के आसपास रखे जाते हैं क्योंकि पब्लिक स्प्लेस में पहले वही थे तो जब उस लेवल पर ही डिस्क्रिमिनेशन है तो हम कैसे नहीं कैसे कैसे कह सकते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल वो एक बायोलॉजिकल सिचुएशन है जिसको हमको एड्रेस करना चाहिए बस बेसिक बात है तभी वो ज़्यादा बढ़ सकती है मेरा ना इस पर थोड़ा सा ऐसे है कि इंडिविजुअल के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए है ना पेड लीव है लीव है नहीं है मतलब जैसे मैं आपको ना थोड़ा बैक में लेके चलता आ, मेरी माँ को कभी पीरियड से प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे तो ये नहीं पता था मतलब कैसे ही पता होगा कि वो क्या चीज़ है लेकिन जब ये कुछ समझ में आता था कि अगर उन्होंने बोला कि इतने दिन वो पूजा नहीं करेंगी तब बाद में बड़े होकर समझ में आया कि अच्छा इसलिए तो लेकिन उन्हें बाकी कोई इशू नहीं होता था लेकिन दूसरी तरफ मेरी पत्नी को बहुत दिक्कत होती थी मतलब दूसरे दिन ऐसे होता था कि उनका उठना बैठना भी बंद हो जाता था तो मैंने दोनों और बाकी लोगों को भी देखा है तो उस टाइम पे जैसे मैं अपने जो पापा का रोल है दिखता था बिल्कुल अलग हो जाता था उन चार पांच दिनों के लिए वो मतलब जैसे हमसे कहते थे क्योंकि हम एक ऐसे घर में रहते थे जिसमें सारे पुरुष ही पुरुष थे तो उनका कहना था कि माँ को परेशान मत करना जो बनाए वो खा लेना वैसे रहना तो अगर इस टाइप से चीज़ें हैं ना तो मतलब देखो इंडिविजुअल वाली बात है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी को लीव मिलनी चाहिए या पेड लीव मिलनी चाहिए और फिर उसमें आप एक दिन की लीव दे क्या ही करेंगे है ना क्योंकि वो एक दिन की साइकिल तो है नहीं मिनिमम तीन दिन होते हैं है ना तीन से पाँच दिन होते हैं तो क्या आप पाँच दिन की छुट्टी देंगे फिर पाँच दिन की पेड लीव देंगे तो कंपनी के स्केल पर जा करके आप देखेंगे तो वो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कुछ कंपनियाँ इंडिया में दे भी रही हैं दो से एक कंपनी है जिसने स्टार्ट किया था फिर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो पीरियड लीव देती हैं लेकिन मेरा अभी भी इसमें यही मानना है कि इंडिविजुअल को डिसाइड करने दीजिए कि उन्हें छुट्टी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कई सारी औरतें हैं जिन्हें शायद ज़रूरत नहीं है और उनके लिए जो काम है है ना वो सारी चीज़ों को भुलाने में ही काम मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को जानता हूँ जिनको काम कर रही हैं तो पेन वगैरह भूल जाता है है ना और अगर वो घर पे हैं तो उन्हें वही पीरियड पेन बहुत ज़्यादा स्किल कर रहा होता है और फिर वो काम पे निकल जाती हैं तो भूल जाता है दिन कट जाता है साथियों के साथ में रह कर के और अपने दोस्तों के साथ में रह कर के ऑफ़िस में रह कर के है ना और वही शायद वो घर पे रहें तो वो ऐसे होता है ना कि माइंड में चढ़ता रहता है तो ज़्यादा दर्द करता है तो ये ऐसा डिस्कशन है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते है ना तो मतलब जब आ, मेरी वाइफ को बहुत दिक्कत होती थी तब मुझे लगता था कि यार आज इनको अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी तो ठीक रहेगा अब आज जा के उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और उस टाइम पे भी मैंने उनका यही देखा था कि यहाँ पे रहकर के छुट्टी लेने से अच्छा और एक पेन किलर खाने से बेहतर है कि थोड़ा सा हिम्मत करके चले जाते हैं अब वो तो मानना पड़ेगा कि उनका उनके पास वो जो कहते हैं ना दर्द सहने की क्षमता है शायद एक स्किल हमसे ज़्यादा ही होता है तो वो मैं देखता ठीक है कि आप चलिए मैं इतना कर देता हूँ कि मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ आप ड्राइव मत करिए और ऑफिस जाके फिर मुझे बाद में शाम को समझ में आता था कि हाँ वहाँ जाना शायद ज़्यादा बेहतर है है ना भूल जा रहा है तो मैं तो इंडिविजुअल वाले उसमें हूँ कि एक लेडी को ही डिसाइड करने दीजिए कि उसे पीरियड लीव चाहिए कि नहीं आप हम कैसे डिसाइड करेंगे है ना मुझे नहीं आता ये समझ में तो मैं तो सामने वाले पर छोड़ता हूँ छुट्टी चाहिए आज हमारे ऑफिस में है ना ठीक है सिर्फ एक ए, कुछ नहीं करना होता मतलब बाकी चीज़ों के लिए शायद हमें छुट्टियों के लिए एक मेल करना होता है लेकिन इसके लिए हमको सिर्फ शायद एक मैसेज ही डालना होता है और कभी उस पर कोई पलट के रिप्लाई नहीं आता आपने भी इस चीज को देखा होगा तो उतना ही कर दीजिए ना कि ठीक है आज मुझे पीरियड ले हुए तो इंडिविजुअल को डिसाइड करने दीजिए आप हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले मेरा ऐसा मानना है विकास मैं बहुत हद तक सूर्यकांत जी से इस बात पे अग्री करती हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ऐसा है कि जैसे भी सोनल बता रही थी कि उनको पीरियड्स में बहुत पेन होता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो हम मैं कंटिन्यू करूँगी कि जैसा अभी सोनल बता रही थी कि उन्हें पीरियड्स में बहुत पेन होता है लेकिन मैं इंडिविजुअल अपना बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता और मैं घर में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है तो मैं कहीं जाना चाहती हूँ मैं ऑफिस आना चाहती हूँ तो मैं आती हूँ तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और इसमें हम और आप तय नहीं कर सकते कि, कि किसी महिला को उस दिन छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए या वो क्या करना चाहेंगी तो ये जो जिस महिला को ज़रूरत होगी वो छुट्टी लेगी और जिसे नहीं होगी वो नहीं लेगी इसमें किसी को फोर्स करने या किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं जैसे कि अभी मेघना जी ने भी बताया सूर्यकांत सर ने भी बताया कि आ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उनको किस तरह का पेन होता है कई कंट्रीज़ में आ, जितनी भी वर्किंग वुमेन है उन सबको मेन्स्ट्रल ली लीव्स दी जाती है पर ये कंट्रीज़ कुछ गिनी चुनी है जैसे कि जापान हो गया कोरिया हो गया ताइवान ये सारी कंट्रीज़ में दी जाती है पर आ, अब ये भी है कि आप इन लीव्स को जस्टिफाई कैसे करेंगे आ, या तो कुछ ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर आप एक वर्किंग स्पेस में हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल सके अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अगर आपको काम भी करना है या छुट्टी नहीं लेनी और आ, ऐसा भी कुछ है कि मतलब मैं नहीं चाहती कि जो मेरी लीव है वो सैंक्श वो आ, ऐसे वेस्ट हो तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए क्योंकि आप इन लीव्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते आ, क्योंकि डेफिनेटली इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि अगर कोई लड़की कह रही है कि मैं पीरियड्स में इसलिए मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ तो ये आ, मतलब कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन लीव्स को एक एक ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन दर्द होता है काफ़ी दिन दर्द होता है और दूसरा ये भी है कि डिपेंड करती है इंटेंसिटी किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होता और किसी किसी को ऐसा होता है कि इंसान बेहोश हो गिर जाए मैंने अपने सामने भी देखा है मेट्रो में एक लड़की कुछ ही दिन पहले मेरे सामने बेहोश होकर गिर गई थी और उससे रीजन पूछा तो उसका बी पी लो गया था बिकॉज वो पीरियड्स पे थी तो ये चीज़ काफ़ी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी नुआंस हैं अगर लीव लाने के लिए जिसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से ये ऐसा एक वेक स्टेटमेंट नहीं है कि जो बस दे दिया और स्मृति ईरानी जी ने जैसे कि ये चीज़ बोली है वो काफ़ी एक सिक्योर माहौल से आती हैं। शायद इसलिए वो ये कह पा रही हैं पर हमारे देश में काफ़ी औरतें ऐसी हैं जो जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है आई थिंक पेड पीरियड लीव ही होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आता है या दो बार आता है ये हर 28 डेज और 30 डेज पे पीरियड्स आता ही है तो अगर ये ऐसा भी नहीं है कि एक या दो दिन है अगर पेड पीरियड लीव नहीं मिलता है तो कम से कम किसी किसी का प्रोसेस पीरियड्स वाला तीन दिन में ख़त्म हो जाता है किसी का छः दिन में किसी का पाँच दिन में तो अगर ऐसे में अगर पेड पीरियड लीव नहीं मिलता है तो समझिए कि एक वीक की सैलरी जा सकती है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये हो गए तो आई थिंक पेड लीव तो मिलना चाहिए एंड ये वही चीज़ है मुझे भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इंडिविजुअल है अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं जब स्कूल में थी तो मुझे पीरियड्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होता था बट अब होता है लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है पूरे साल हर महीने हो कभी कभी नहीं होता है कभी कभी आई फील हेल्दी बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट मंथ में मैं हेल्दी फील नहीं करती हूँ मूड स्विंग्स होते हैं काफ़ी स्लीपी फील करती हूँ थकी थकान फील होता है तो आई थिंक पेड पीरियड लीव मिलना चाहिए देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पेड लीव व्यक्तिगत अपने विकल्प की बात है या नियम कानून बनना चाहिए या ऑफिसिस के स्पेसिस में अलग अलग नियम तय किए जाएँ पर्सनल लेवल पर कंपनियाँ तय करें कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है या आपके यहाँ एक स्टेट लेवल पे कुछ ऐसा हो या संसद में बहस चलती रहे निष्कर्ष नहीं है जिस देश का संविधान और काफ़ी कुछ काफ़ी देशों में ऐसा ही होता है कि संविधान नियम कानून एक ग्लोबल लेवल पे जो मापदंड हैं जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए बनते हैं है ना इस बहसबाजी से कोई निष्कर्ष निकलता दिखता नहीं है चूँकि ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है अब जो, जो पेड लीव वर्ड है कि पीरियड्स के दौरान पेड लीव मिलना चाहिए कि नहीं ये इंडिविजुअलिटी की बात तो है ही किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है किसी को कम दिक्कत होती है ये एक सर्वविदित सत्य है मेडिकल फैक्ट है लेकिन रही कानून की बात तो ये कैसे तय होता है इसके लिए कुछ रेफरेंसेज हैं मेरे पास जो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था स्पेन अकेली एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पेड लीव की बात मतलब एक कानून बन गया है कि भाई पेड लीव मिलेगी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जापान की बात करिए जापान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है है ना पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद उन्होंने उन्नीस में ही कानून बनाया और उस कानून में पेड लीव जैसी पैसा वैसा मिलने की कोई बात नहीं अब मैं जिन देशों की बात कर रहा हूँ वहाँ पेड लीव जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है जापान में बोला गया कि आप काम करने को नहीं कह सकते अपने लोगों को लेकिन इसके बावजूद गौरतलब तथ्य ये है कि जापान में सिर्फ ज़ीरो पॉइंट नाइन मतलब एक परसेंट से भी कम महिलाओं ने स्वेच्छा से छुट्टी ली पीरियड्स के दौरान ये एक तथ्य है ये कितना सही है द हिंदू की रिपोर्ट और कुछ और रिपोर्ट्स हैं मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इसी तरीके से और थोड़ा सा आसपास के देशों की बात करें इंडोनेशिया हमने 1948 में बोला कि हम दो दिनों के लिए उन दो दिनों के लिए पीरियड्स शुरू होने के पहले दो दिनों के लिए काम को बाध्य नहीं करेंगे महिलाओं को महीने में यानी दो दिन की छुट्टी की बात की कोई पैसा देने की बात नहीं की थोड़ा और आगे बढ़िए कोई बहुत दूर का देश नहीं है ताइवान वहाँ लैंगिक समानता की बात है कोई जेंडर जैसे वो जो एक बड़ी अच्छी बात सोम ने कही थी इंडिविजुअलिटी के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेंडर और सेक्स दो अलग चीज़ें है उनके बीच की बारीक लाइन है कुछ लोग उस लाइन को चुनते हैं कुछ इसको चुनते हैं ताइवान में कहा गया कि लैंगिक समानता का एक एक अधिनियम है और उसके तहत हम किसी को लिंग के आधार पर उसके जेंडर के आधार पर विशेष कोई प्रिवलेज नहीं दे सकते विशेषाधिकार नहीं दे सकते वियतनाम का क्या है छुट्टी नहीं देते वो कोई पेड लीव जैसी कोई बात नहीं है वो कहते हैं पीरियड्स के दिनों में आप काम के घंटों में तीस मिनट का ब्रेक ले सकते हैं मिनट्स के हिसाब से ये देश काम करते हैं अगर आप थोड़ा सा जाएंगे इनकी इनकी जो श्रम जो जो क्षमता है मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी तेज काम करने वाले कुछ देश हैं चीन जापान जैसे लोग बहुत मेहनत होते हैं तो उन्होंने कहा कि हम तीस मिनट का ब्रेक देंगे अब आ जाइए भारत में तो ये जो संसद में बहस चल रही है हमारे न्यूज़ रूम में बात चल रही है सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं ये स्पष्ट तब होगी जब इस इसमें कोई कानून बनेगा लेकिन उसके पहले तक व्यक्तिगत तौर पर जैसे मैंने कहा कि संस्थान प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या चुनते हैं क्या तय करते हैं अपने और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो जोमैटो का एग्जाम्पल है जोमैटो ने दो में उन्होंने प्रति वर्ष यानी एक साल में दस ऐसी छुट्टियों की बात की है जो पीरियड्स के नाम पे लीव दी जाएगी नतीजा ये रहा टाइम मैगजीन के ने लिखा है इस पर एक अच्छा आर्टिकल नतीजा ये रहा कि ज़ोमेटो के एम्प्लॉज़ ने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली स्विगी और बाइजू ने भी ऐसा ही किया तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी भी कानून बनता है कुछ भी कोई भी समस्या है और जिसकी बहस संसद में चल रही है वो ख़त्म तब होती है जब उस पर एक नियम निर्धारित हो जाए जो कानून में लिख दिया जाए कि ये बिल है इस बिल के ये क्लॉजेज़ हैं इस क्लॉजेज़ के हिसाब से लेकिन अगर बीच के रास्ते की बात करें या एक सामाजिकता के नाते या एक जैसा कि कहा कि और संसद में भी ये बात कही स्मृति ईरानी ने कही आ, हमारी साथी प्रज्ञा हैं उन्होंने भी कही तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वो एक असहनीय दर्द होता है और उस असहनीय दर्द को मैं आ, मैं या पुरुष नहीं महसूस कर सकते हैं तो ये टिप्पणी कर पाना कि आपके लिए वो एक नॉर्मल है वो आ, जैसे एक संसद में शब्द इस्तेमाल किया गया कि ये दिव्यांगता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कई बार जैसे हमारी साथी सोनल हैं उन्होंने कहा और कई बार और भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब मैंने देखा है कि मेरी साथी या मेरे परिवार में कई महिलाओं को बहुत दिक्कत हो गई और वो हर महीने होने वाली सामान्य प्रक्रिया थी लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और इंजेक्टेबल्स पे रहीं वो इन्फेक्ट इन्फेक्शन्स हो गए बहुत ज़्यादा दर्द में रहीं तो ये कह देना भर कि ये तो हर महीने होता है इसलिए नॉर्मल है एक थोड़ा सा एक कुतर्क हो सकता है एक थोड़ी असंवेदनशील बात हो सकती है इसलिए सामाजिक तौर पे ये है कि फिलहाल के लिए जब तक कोई नियम कानून नहीं है इसको व्यक्तिगत चुनाव का मुद्दा बने रहने देना चाहिए महिलाओं का कंपनियों को भी इतना आ, उनके प्रति टॉलरेंट होना चाहिए कि वो तय कर सकें कि वो उस दिन काम करेंगी या नहीं करेंगी बशर्ते कंपटीशन है कट थ्रोट तो महिलाओं को वो भी वो अपना भी देखना है ठीक है जब तक कानून नहीं आता है बहस चलती रहनी चाहिए कम से कम ये अब ट्विटर पर मैंने देखा कि कल से स्मृति ईरानी ट्रेंड हो रही हैं फॉर ऑल द रोंग रीजन्स वे फील के मुझे नहीं लगता कि अगर आप मैंट कर रहे हैं तो दैट मेक्स यू हैंडी कैप आई डिस विद हर हर किसी की पीरियड्स इश्यूज़ पीरियड क्रैम्प पीरियड पेंस पीरियड में बॉडी की रेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है मेरे ऑफिस में ही बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं फीमेल कलीग्स हैं जो अलग तरीके से मैंस्ट्रेट करते हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं कितने क्रैम्प्स होते हैं उनको हम एक ही तराजू में किसी को भी रख के नहीं तोल सकते हैं ये आ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि पेड पीरियड लीव्स होनी चाहिए बट आ, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है मैं मेरा ऐसा मानना है हर एक औरत एक समान नहीं होती हर एक औरत के पेन एक जैसे नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आ, किसी की रिक्वायरमेंट कैसी है और वो कैसे यूटिलाइज करे देखिए बहुत इस पर बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं पर इन सारी डिबेट्स कहाँ दी जाती है नहीं दी जाती मैं अपना बस ओपिनियन कहूँगी कि बिल्कुल होनी चाहिए दर्द एक ऐसी चीज़ है ना जिसको होता है ना सिर्फ वही महसूस कर पाता है चाहे वो कैसा भी दर्द हो और ये एक ऐसा दर्द है जिसको शायद मर्द उस स्तर पे महसूस न कर पाए लेकिन बहुत अफ़सोस होता है अफसोस ये होता है ये देखकर कि ये बयान ये स्टेटमेंट एक महिला द्वारा दिया जा रहा है एक वो महिला जो प्रेगनेंसी का दर्द ऑलरेडी झेल चुकी होंगी तो वो ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि पीरियड्स का दर्द क्या होता है और बहुत दफ़ा होता है कि, कि किसी लड़की को कम होता है किसी लड़की को ज़्यादा होता है और किसी को असहनीय भी होता है कुछ लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं इसकी वजह से लेकिन मुझे लगता है सिर्फ एक दिन की बात है एक दिन के नाते आपको देना चाहिए और इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये हक है उसका एक शरीर है एक व्यक्ति है जिसको दर्द हो रहा है अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते आप उसको ऑफिस में बुलाएंगे कि नहीं हमारा मैन पावर यूज़ नहीं हो पा रहा है वो इंसान अगर ऑफ़िस में आके उस दर्द में बैठ के काम भी करे तो कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा क्या वो उस स्तर का काम कर पाएगा जिस स्तर का काम वो आम दिनों में कर पाता है मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा और मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पीरियड्स की लीव होनी चाहिए एक दिन में कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल होनी चाहिए और मैं स्मृति ईरानी के बयान से बिल्कुल असहमत हूँ तो दो ऐसे राज्य हैं उनमें सबसे पहला बिहार है उन्नीस में वहाँ पर जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं महिला कर्मचारी हैं उनको पेड पीरियड लीव मिलती है इसके बाद केरला ने इसी साल फरवरी में फरवरी 2023 में अपने यहाँ पर ये नियम लेकर आया जिसमें पेड पीरियड लीव का प्रावधान है जो कि मनोज झा ने भी संसद में ये बात कही थी इन सब के बीच में एक ज़रूरी सवाल ये है कि आप सोचेंगे कि ये पीरियड का मुद्दा था उसको एक मेल क्यों होस्ट कर रहा है तो यही यही मिथ तोड़ने हैं बात सिर्फ महिलाओं के हक की बात सिर्फ महिलाएं नहीं करेंगी जिस तरीके से संसद में उनके हक की बातें जो है पुरुष सांसद कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ भी न्यूज रूम में इस बात को हम कह रहे हैं आपके इस पर जो भी राय है हमें कमेंट में बताइए कैमरे के पीछे हमारे साथी ही आलिश है मेरा नाम विकास वर्मा है देखते रहिए टॉप शुक्रिया नमस्ते दोस्तों मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलब -लप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया आप लोग भी हर रविवार को लप लप बिहार का का एक नया वीडियो देखिए सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कॉमेंट्स में बताइए